दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय करके सभी कंटेस्टेंट के सामने तेजस्वी प्रकाश ने जय भानुशाली को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, यानी कि जय भानुशाली का एक काफी बड़ा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी काफी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि घर के अंदर खाने के मुद्दे को लेकर बुरी तरीके से झगड़ा चल रहा था और कुछ कंटेस्टेंट का ये आरोप था कि उनको समय पर खाना नहीं मिल पाता है और उनके हिस्से का खाना चोरी हो जाता है। इस दौरान दोस्तों प्रतीक ने भी कहा कि कल खाना खाने में जब गया था तो मेरा खाना मैं पहले रख के गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब मैं वापस आया तो मेरा खाना वहां पर नहीं था, किसी और ने मेरा खाना चुरा कर खा लिया था। इस मुद्दे पर दोस्तों घर के सभी कंटेस्टेंट के बीच में काफी जबरदस्त बहसबाजी चल रही थी। इतने में दोस्तों वहां पर जय भानुशाली ने घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने कह दिया कि खाना तो कल मैंने भी नहीं खाया था, मेरा भी खाना किसी ने और ने खा लिया था। ये चीज दोस्तों तेजस्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और तेजस्वी ने साइड में बैठे सिम्बा को आकर कहा कि यार सिम्बा ये जय कितना झूठ बोलता है, कल मेरी आंखों के सामने इसने खाना खाया है और अच्छी तरीके से भरपेट खाना खाया है, इसके बावजूद सबके सामने बोल रहा है कि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे तो ऐसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोस्तों जय की ये सच्चाई जानने के बाद में सिम्बा नागपाल को भी काफी हैरानी हुई और सिम्बा भी जय की ये सच्चाई जानने के बाद में काफी चौंक गए थे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जय भानुशाली को सिम्बा नागपाल घर के अंदर अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं और जब बड़ा भाई इस तरीके से झूठ बोलता हुआ पाया गया तो सिम्बा को भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों जय के बारे में जब सिम्बा और तेजस्वी बात कर रहे थे उस दौरान जय भानुशाली ने इन दोनों की बातें सुन ली और अपनी बात से मुकरते हुए जय ने कहा कि यार तेजू मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था, वो कल की बात नहीं है, मैं तो पहले की बातों को छेड़ रहा था और मेरे दिमाग से निकल गई कि कल मैंने खाना खाया था या नहीं खाया था। कुल मिलाकर दोस्तों जब चोरी पकड़ी गई तो जय भानुशाली अपनी ही बातों से मुकर गए। फिलहाल दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आप भी तेजस्वी के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।